मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नवांगोर विद्यापीठ के डीजी चैनल पर आपको कक्षा 12 का लेसन 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड समझाएंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इसके पॉइंट हैं एनोनिमस। इस पॉइंट में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। एक बच्चा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाना। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे नजदीक हैं उनको। अब मेरे नज़दीक कौन है? माई फैमिली, मेरे परिवार के लोग। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। माई कोवर्कर्स, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ कार्य करने वाले लोग। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे जागरूक रहने में मेरी सहायता करें। नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर, जो कुछ भी मैंने सुना उससे एक ही संदेश निकलता है। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू, मैं जो भी हूं मुझे स्वीकार करो। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसनिंग टू मी, मतलब हे ईश्वर मुझे स्वीकार करो। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, ईश्वर मुझे सुनना सिखाना जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस माने निराशावादी लोग। विस्पर का मतलब होता है उनकी फुसफुसाहट, उनकी अंदर की आवाज। द विस्पर ऑफ द होपलेस माने निराशावादी लोगों की फुसफुसाहट को। द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, भूले बिसरे लोगों की दलील को। प्लिया का मतलब होता है दलील और फॉरगॉटन माने भूले बिसरे लोग। द क्राई ऑफ द एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है व्यथित, व्यथित लोगों की चित्कार। क्राई का मतलब होता है पुकार या चित्कार। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, ईश्वर मुझे सुनना सिखाना स्वयं को, अपने आप को। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, प्रभु मुझे अधिक से अधिक भयभीत ना होने के लिए सहायता करना। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, हे प्रभु मेरी सहायता करना कि मैं अपने अंदर से आने वाली आवाज, जो कि मेरी अंतरात्मा की आवाज है, उसको सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, ईश्वर मुझे सुनना सिखाना मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। इन बिजीनेस, व्यस्ततम समय में। इन बॉडम, उवासी के समय में। बॉडम मतलब उवासी, जब बोर होते हैं हम, वो समय कहलाता है बॉडम। इन सर्टेंटी, निश्चितता में। एंड इन डाउट, और शंका की स्थिति में। इन नॉइज, कोलाहल में, शोरगुल में। एंड इन साइलेंस, और शांत वातावरण में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाना। थैंक यू।